अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूएई में या दुबई में एक बाइक राइडर कितना अर्न करता है और उसकी क्या मुश्किलात हैं, उसकी जॉब कैसी है, मतलब ये काम अच्छा है, बुरा है, डेंजरस है, क्या सीन है। तो ये सारा कुछ जानने के लिए मेरे साथ है एक भाई, तो मैं अभी इनसे इंटरव्यू लेता हूँ और जानता हूँ कि इस बाइक राइडर की जॉब कैसी है और इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी मेरे साथ एक भाई हैं बाइक राइडर जो यहाँ पे क्रीम की बाइक चलाते हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई जान। तो कितना अच्छा हो गया आपको ये बाइक राइडिंग करते हैं? 3 साल। 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये लाइसेंस कितने में बन गया था आपका? लाइसेंस उस वक्त तो बहुत मुश्किल थी, 2016-17 में जब मैंने, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तो आने, उस वक्त मैंने तो 11,000 दिरहम में जी लाइसेंस मिला था। और अभी आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी सही है, मेहनत करेंगे तो अच्छी आएगी, आ जाएगी 3,000 तक आ जाएगी, 3,000+ आ जाती है, 3,000+ तक जी सैलरी आ जाती है बाइक राइडर की। तो अच्छा, आप इससे भी ज़्यादा भी है, जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है। नहीं, ये तालाबाद वालों ने अक्सर, मैंने वो टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं, उन्होंने मेंशन किया होता है जी हम 5,000 निकाल रहे हैं, 6,000 निकाल रहे हैं। सही कह रहे हैं या नहीं? निकलती है, निकल जाती है, मेहनत का फल है। जिस कंपनी में भी जाओ, मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, काम को निकलेगी। हाँ हाँ, काम। अच्छा, आपकी बेसिक सैलरी होती है या कमीशन पे होते हैं? कमीशन। आप कमीशन पे होते हैं? ठीक है। तो आपकी वीकली छुट्टी होती है या क्या सीन है, आपकी ड्यूटी कैसी होती है? ड्यूटी शिफ्ट होती है, खुद ही सिलेक्ट करनी होती है। अच्छा। छुट्टी होती है, कर सकते हैं, मतलब वीकली छुट्टी अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे तो आपको ओवर टाइम आएगा। नहीं, कमीशन में ये चीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या इसमें डिलीवर क्या करते हैं? इसमें फूड है, हर सारा प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, हर कंपनी का अपना अपना एक सिस्टम है। सही है, लेकिन हम करीम में हर चीज़ डिलीवर करते हैं, करीम में। तो आप मुझे ये बताएं, ये कहा जाता है कि ये बहुत मतलब डेंजरस है, यूएई में डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर, बहुत डेंजर है, मौसम के लिहाज से डेंजर है, वेदर के हिसाब से बहुत, और ट्रैफिक के हिसाब से भी डेंजर है, ट्रैफिक के हिसाब से भी, क्योंकि आपको पता है यूएई में जो गाड़ियां चलती हैं वो 100-120 की स्पीड, जो नॉर्मल रोड होते हैं वहां पे भी ये 80 की स्पीड पे जाती हैं। तो इनका काम एक तो वैसे डेंजरस है, क्योंकि ये बाइक ओपन है, अगर खुदा नखास्ता अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको जो पता है जो टेम्परेचर आजकल चल रहा है यहाँ पे, गर्मी का मौसम है, तकरीबन 40+ तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ये जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तक मौसम ऐसा ही रहता है। सही है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, सही है जॉब मतलब, या इससे अच्छा है बंदा कार का लाइसेंस ले लें? सही है कार में, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है, बाइक के लाइसेंस में पैसा है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम सुकून से बैठ के रोजी कमा लें। ठीक है, तो ये बाइक है लेकिन बहुत डेंजर है। ठीक है, तो ये बाइक जो है ये आपकी अपनी है या ये कंपनी की है? वो रूल भी खत्म हो गया बाइक का। ठीक है, यानी बाइक भी कंपनी की है, इसका मेंटेनेंस भी कंपनी की है और फ्यूल भी कंपनी का। ठीक है, लेकिन हमारा और सिस्टम है, क्रीम में तो हमें रेंट देना पड़ता है, तो वो समझो हमारी हुई, लेकिन हम खुद नहीं ले सकते, देती कंपनी है। ठीक है, लेकिन उसका हम रेंट पे करते हैं, बाकी डिलीवरी है, तलाबाद है, नोनो है, नून, उन सब का अपना ही है, उन सब का अपना ही है। तो आप जो है ना बस ये गाड़ी उनकी है, सारा कुछ है उनका ही है। हाँ ठीक है, तो आपको सैलरी मिल जाती है 3,000 समथिंग लाइक दैट? 3,000+ आती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गाड़ी, रूम रेंट, पेट्रोल का खर्चा। ठीक है। हाँ। यानी कि कह लें कि 3,500 तक आ जाती है, 3,500 तक। ठीक है, तो इसमें आपका रूम अपना है, खाना अपना है? खाना अपना, रूम अपना, पेट्रोल अपना, सर चीज़ अपनी, सब कुछ अपना है। तो मतलब अगर एक नया बंदा आता है, वो लाइसेंस ले लेता है, तो कितना उसको बचत कितनी आ जाती है, मतलब अगर 3,500 रुपया सैलरी उसकी आती है तो बचत कितनी आ जाती है? बचत 2,000 ही आती है। 2,000, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,00,000 रुपये तक जी बचत आ जाती है। सही है, बहुत शुक्रिया भाई जी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि बाइक राइडर से मैंने इंटरव्यू लिया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, जो काफ़ी दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान से भी और यहाँ भी काफ़ी लोग के पास बाइक लाइसेंस है तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आई थिंक कि ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको अच्छी लगी, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।